सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो मॉल एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने रिचार्ज कर लिया है और अगर आपका जो रिचार्ज है वो जियो मॉल के वॉलेट में ऐड नहीं हुआ है, तो ठीक है, उसमें क्या करना है आपको। अगर आपके वॉलेट में अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले अपना जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, उसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ वही आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको कैपिटल कर लेना है, उसके बाद में एस कैपिटल लिखना है, उसके बाद में PRI, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वन डाल देना है, वन, उसके बाद में TE, ठीक। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो तीन ID ओपन हो चुकी है, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन आईडी ओपन हो चुकी है, एक और दो और ये तीन, ठीक है। ये ग्रुप है, उसके बाद में ये भी ग्रुप है, इसके बाद में ये कॉन्टेक्ट नंबर है इनका। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर को आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज है नी, तो यहाँ पर मैसेज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप करने का जो ऑप्शन है वो खुल के आपके सामने आ चुका है। तो ऑप्शन खुल के सामने आ चुका है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई मैंने रिचार्ज किया और हमारे जियो मॉल के अंदर अभी तक पैसा ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सामने वाला आपको पूछेगा कि आपने जो रिचार्ज किया है उसका जो बैंक का मैसेज आया हुआ है, उस मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट लेके इनको दे देना है। उसके बाद में आप जो अपने जियो मॉल का जो मेन जो है वो मेन आईडी, उसका स्क्रीनशॉट लेके इनको दे देना है। उसके बाद में आपका तुरंत ही आपके वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती कर रखी है कि जैसे आपने रिचार्ज किया 500 का और आपने वहाँ पे कोड डाल दिया है भाई 1000 रुपये का, तो उस समय आपको यही ऑप्शन मिलेगा कि आपका पैसा अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन आखिरी है इनमें, ये आपका पैसा ऐड करवा देगी, ठीक है। ये एक लेडीज़ है तो ये आपसे बात करेगी और आप इंग्लिश में ही बात करेगी, हिंदी इनको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आप हो सके तो आप इंग्लिश में ही इनसे बात करें और ये 100% बात करेगी। और आप जैसे आप मैसेज करोगे तो ये कुछ लेट आपको आंसर मिलने को मिलेगा, तो ये हो सकता है एक बोर्ड है तो आपको लेट ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आप मैसेज करके छोड़ दो, उसके बाद में आपसे कांटेक्ट कर लेगी, एक बोर्ड हो सकता है या फिर एक लेडीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका पैसा आपके जो अकाउंट में है ये ऐड करवा देगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अदर प्रॉब्लम हो तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जो भी प्रॉब्लम हो इनको बताएं, ये आपका सॉल्यूशन निकालेगी। अगर आपके जो विड्रॉल प्रॉब्लम है वो भी आप इनको बता सकते हो। और जो बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई हमने बैंक डिटेल गलत डाल दी है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये बैंक डिटेल आपको सही से फिलअप करनी थी, देख के आप अपनी पासबुक में देख के आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर आपने ऐसे ही ऐड कर रखी है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एडिट करके चेंज कर सकते हो तो आपका अकाउंट कोई भी ब्लॉक करके आपका पैसा निकाल सकता है। इसलिए इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा है कि आप अपनी बैंक डिटेल एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारी आईडी बैन हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैं मेरी जो बैंक डिटेल है वो गलत डाल चुका था, ठीक है। तो इसमें एडिट नहीं होता है, आप उस आईडी को बंद करके दूसरी आईडी ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।